हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की अपनी क्लास में अपन विस्टास बुक का फिफ्थ लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी करने जा रहे हैं। इस लेसन में क्या है, एक छोटी लड़की है 4 साल की, जो जिसका नाम है, वो अपने फादर से शाम को कहानी सुनती है और उसके फादर उसको डेली कहानी सुनाते हैं एक रोजर नाम के क्रिएचर की। रोजर नाम से कहानी लगभग सेम सी होती है, वो एक रोजर नाम के क्रिएचर की कहानी उसको सुनाता है। कभी रोजर स्क्विरल कह देता है, कभी रोजर अन्य किसी जीव का नाम लेता है, इस प्रकार से उसको कहानियाँ सुनाता है। और जो अपनी कल्पना से, उसके फादर भी उसको अपनी कल्पना से कहानी सुनाते हैं और अपनी कल्पना से ही जो बीच बीच में फादर को क्वेश्चन पूछती रहती है, जो बच्चों की आदत होती है आमतौर पर पूछने की। शनिवार की शाम फादर उसको कहानी सुनाते हैं, वो ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि जो उस दिन सोने का नाम नहीं लेती है, नेक्स्ट डे संडे होता है, इसलिए आज फादर उसको कहानी सुनाने लग जाते हैं रोजर स्कंक नाम के क्रिएचर की। और वो लड़की बीच बीच में उसे सवाल पूछती। कहानी आमतौर पे मैं बता रहा हूँ एक जैसी ही होती है, सेम ही होती है, उसका प्लॉट एक जैसा होता है कि रोजर नाम का जो जीव है वो अपनी समस्या होती है वो लेकर एक बूढ़े आउल के पास जाता है। बूढ़ा आउल उसे विजार्ड के पास, जादूगर के पास भेज देता है। जादूगर उसकी समस्या का सोल्यूशन कर देता है लेकिन बदले में कुछ पैसे मांगता है। और वो जो क्रिएचर रोजर नाम का जो होता है वो पैसे लेकर जाता है, उससे ज़्यादा पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होने पर वो उसको समाधान भी बता देता है कि आप वहाँ जाओ और वहाँ से पैसे लाकर मुझे दे दो। उसकी समस्या का समाधान हो जाता है और वो रोजर नाम का क्रिएचर वापस आ जाता है खुशी खुशी से और फिर अपने मित्रों के साथ खेलता है। आज क्या हुआ, फादर जब स्टोरी सुना रहा है जो को रोजर स्कंक की, तो रोजर स्कंक एक ऐसा जानवर होता है जो बदबूदार होता है, वो अपनी समस्या ओल्ड आउल के पास लेकर जाता है। ओल्ड आउल उसे विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड को जाकर अपनी समस्या बताता है कि मुझ में ऐसे ऐसे बदबू आती है और कोई दूसरा एनिमल का बच्चा मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं है। जादूगर उसकी समस्या का हल कर देता है, कहता है कि तुझे कैसी स्मेल चाहिए। अब वो कहता है मुझे रोजेज वाली स्मेल दे दो, गुलाब वाली स्मेल दे दो। वो विजार्ड जादू से उसकी स्मेल बदल देता है। वो जैसे ही खुशी खुशी के साथ खेलकर अपने घर आता है तो उसकी माँ उसे डांटती है। किसकी माँ, रोजर स्कंक की माँ। नहीं, तुझे जैसा था वैसा ही होना चाहिए। रोजर स्कंक की मम्मी जाती है और विजार्ड को हिट करती है, उसको मारती है और कहती है मेरे बेटे को वापस चेंज कर। तो लड़की यहाँ पे जिद कर लेती है, अपने फादर को कहती है नहीं नहीं, विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए वापस और उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये पूरी स्टोरी में है। देखो अब आगे अपन स्टोरी पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, हियर इज ए स्टोरी, यहां पर आपके लिए कहानी है अबाउट द वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू होता है संसार के प्रति दृष्टिकोण के बारे में, ऑफ ए लिटल चाइल्ड, एक छोटी बच्ची के। एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस, और मुश्किल नैतिक सवाल सी रेजेज जो वह उठाती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, कहानी सुनने के दौरान विद हर फादर, अपने फादर के साथ। यहाँ पर एक छोटी बच्ची के बारे में, सांसारिक उसका जो दृष्टिकोण है उसके बारे में, और जो स्टोरी सेशन के दौरान वो क्वेश्चन उठाती है अपने फादर से उसके बारे में इस कहानी में आपको मिलेगा पढ़ने को। इन द इवनिंग, शाम के समय, फॉर सैटरडे नैप्स, नैप्स होता है नींद लेना, झपकी लेना। शाम के समय, शनिवार के दिन, झपकियां लेते समय, लाइक टू डेज, आज की तरह, जैक टोल्ड हिज डॉटर, जैक ने सुनाया अपनी बेटी को, जो को ए स्टोरी, एक कहानी, आउट ऑफ हिज हेड, अपने दिमाग से, आउट ऑफ हिज हेड, अपने दिमाग से। शाम के समय, शनिवार को, झपकियां लेते समय, आज की तरह, शनिवार को कहानियां सुनाया करता था अपनी बेटी जो को, जैक अपने दिमाग से खुद ही बनाकर कहानी सुनाया करता था। दिस कस्टम, यह परंपरा बिगन शुरू हुई थी व्हेन सी वाज 2, जब वह 2 साल की थी, वाज इट्सेल्फ नाउ नियरली 2 ईयर्स ओल्ड, और अब यह परंपरा जो है वो 2 साल की हो गई है। वो 2 साल की थी तब कहानियाँ सुनाने लगा था और सुनाते हुए ये परंपरा 2 साल हो गई, मीन्स वो लड़की कितने साल की हो गई, 4 साल की।
एंड हिज हैड फेल्ट, और उसका दिमाग अनुभव करने लगा था एम्प्टी खाली, क्योंकि वो सारी कहानियां बना 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 सुना चुका था। ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन, प्रत्येक नई कहानी एक थोड़ी सी भिन्नता होती थी, स्लाइट का मतलब थोड़ी सी वेरिएशन भिन्नता होती थी ऑफ ए बेसिक टेल, मूल कहानी से, मूल कहानी से थोड़ा सा ही वो अलग करते थे प्रत्येक कहानी को। किसके बारे में होती थी? ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटे से जंतु के बारे में, यूजुअली नेम्ड, उसका नाम होता था रोजर, रोजर नाम से उसका नाम शुरू होता था, जैसे आगे बता रखा है रोजर फिश, रोजर फिश के बारे में सुना देता कभी कहानी, रोजर स्क्विरल, कभी रोजर गिलहरी के बारे में सुना देता, रोजर चिपमंक, कभी रोजर चिपमंक के बारे में सुना देता। नाम रोजर तो साथ होता था, उसके साथ वो दूसरा कोई नाम ऐड कर देता था। हैड सम प्रॉब्लम, और ऐसे क्रिएचर को कोई समस्या होती, एंड वेंट विद इट, और वह चला जाता अपनी यह समस्या लेकर टू द वाइज ओल्ड आउल, उस बुद्धिमान बूढ़े आउल के पास। द आउल टोल्ड हिम, आउल उसे कहता टू गो टू द विजर्ड, विजर्ड के पास जाने के लिए, एंड विजर्ड परफॉर्म ए मैजिक स्पेल, और जादूगर करता एक जादुई स्पेल, जादुई मंत्र, मैजिक स्पेल, जादुई मंत्र, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट, और मांग करता पेमेंट के रूप में ए नंबर ऑफ पेनीज, पेनीज ये करेंसी है, कुछ संख्या में पेनी, ग्रेटर देन द नंबर, उस संख्या से ज्यादा, दैट रोजर क्रिएचर हैड, जो उस रोजर नाम के जंतु के पास होती थी। जादूगर स्पेल करता, जादू करता, उसकी समस्या को सॉल्व कर देता, और वो क्रिएचर जितने पैसे पेनी के रूप में लेकर जाता था उससे कहीं ज्यादा मांगता था। क्रिएचर हैड जो उसे क्रिएचर के पास, उस जंतु के पास होती थी। बट इन द सेम ब्रेथ, परंतु सेम ब्रेथ का मतलब उसी पल, परंतु उसी पल डायरेक्टिंग उसे निर्देश दे देता द एनिमल, उस जंतु को, उस पशु को, टू ए प्लेस, एक जगह पर जाने के लिए, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां पर अतिरिक्त पेनी मिल सकती थी। देखो वो उसकी समस्या का समाधान कर देता, पेनी भी मांगता, उसके पास होती उससे ज्यादा मांगता, अब उसके पास होती नहीं तो उसको डायरेक्ट भी कर देता, आप जाओ वहां पर मिलेंगे। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, तब रोजर इतना प्रसन्न हो जाता था अपनी समस्या का सॉल्यूशन पाकर, ही प्लेड, वह खेलता था, मैनी गेम्स, बहुत सारे खेल, विद अदर क्रिएचर्स, दूसरे जानवरों के साथ, एंड वेंट होम, और घर चला जाता था, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास, जस्ट इन टाइम, समय पर, टू हियर, सुनकर द ट्रेन विसल, गाड़ी की सीटी, दैट ब्रूट हिज डैडी होम, जो उसके फादर को घर लाती थी फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से। क्लियर हो गया? जब उसकी समस्या का समाधान हो जाता तो वह खेलता अन्य क्रिएचर्स के साथ, और फिर गाड़ी की सीटी सुनता जो बोस्टन से आती थी उसके फादर को लेकर, मींस उस गाड़ी में उसके फादर आते थे, उस गाड़ी की वो सीटी सुनता, और उसके बाद अपनी मदर के पास घर चला जाता। नेक्स्ट देखते हैं, जैक डिस्क्राइब्ड देयर सफर, इसके बाद वो क्रिएचर घर चला जाता, उसके बाद जैक मीन्स जो का फादर वर्णन करता उनके सफर का, खाने का, ऐसे ऐसे खाना खाया, एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी जो है वो खत्म हो जाया करती थी, इस प्रकार की कहानी सुनाते थे। वर्किंग हिज वे, अपने तरीके से काम करते हुए, दिस स्कीम, इस योजना से, कौन सी योजना, उसको कहानी सुनाने वाली, वाज स्पेशली, विशेष रूप से, फटीगविंग, थका देने वाली होती थी, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, मैंने बताया ना सैटरडे को बच्ची, पता होता था कि संडे को स्कूल नहीं जाना है, तो सैटरडे को वो ज़्यादा परेशान किया करती थी। बिकॉज जो नेवर फेल असलीप, क्योंकि जो कभी नहीं सोती थी, इन नैप्स झपकियाँ लेते समय एनी मोर, और अधिक वो सोती नहीं थी। एंड नोविंग दिस, और यह जानते हुए, मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, मेड द राइट, राइट का मतलब कार्य, सीम लगता था फ्यूटाइल व्यर्थ, और ये सब जानते हुए उसको झपकियां दिलाने वाला जो कार्य था वो व्यर्थ लगता था। द लिटल गर्ल, नॉट सो लिटल एनी मोर, वह छोटी लड़की,
लिटिल गर्ल छोटी लड़की, नोट सो लिटिल इतनी भी छोटी नहीं थी एनी मोर, और क्यों बताया गया इसमें क्या करती थी वो, बदमाशियां करती थी, ऐसे ऐसे वो परेशान करती थी बेड पे, ये करती थी वो करती थी, देखो आगे बता रखा है, छोटी लड़की परंतु इतनी छोटी भी नहीं थी, द बम्प्स, बम्प्स होते हैं बिस्तर के ऊपर गड्ढे, हर फिट जो उसके पैरों के द्वारा मेड बनाए जाते थे अंडर द कवर्स, चादरों के नीचे, हाफ वे डाउन वो गद्दे में आधे चले जाते थे द बेड, बिस्तर के, वो बिस्तर के ऊपर जंप करती थी ना तो उस पे जो गड्ढे होते थे वो उसके गद्दे में आधे तक बन जाया करते थे, देयर बिग डबल बेड उनके बड़े डबल बेड में, दैट दे लेट हर बी जिस पर वे उसे सुलाते थे, लेट बी इन हर नैप्स झपकियां लेने के लिए, सोने के लिए जिसे वह उसे सुलाते थे जिसके ऊपर, एंड व्हेन शी वाज सिक और जब वह बीमार होती थी, उस बीमार होती थी उस समय या वैसे उसको सुलाया करते थे बेड पर, उसके ऊपर वो जंप करती थी और आधे आधे गड्ढे बन जाया करते थे, हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, उसमें उसने अपने आप को अरेंज कर लिया था, एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस और जिस तरीके से उसका मोटा चेहरा डीप धसा हुआ था, इन द पिल्लो तकिए में सोन व चमक रहा था, इन द सनलाइट धूप में शिफ्टिंग जो छनकर आ रही थी, थ्रो द ड्रान शेड्स खींचे हुए पर्दों के अंदर से, शेड्स पर्दे ड्रान खींचे हुए, देखो शाम का समय था, रात नहीं हुई थी और वो पर्दे जो लगाए हुए थे उनमें से थोड़ी थोड़ी इवनिंग की वो धूप जो थी वो छनकर आ रही थी और उसके मोटे चेहरे पर वो चमक रही थी, इट डिड नॉट सीम फंटास्टिक, यह नहीं लग रहा था कल्पना योग्य, दैट सम मैजिक वुड ओक्योर कि कोई जादू होगा, ओक्योर होना मैजिक जादू, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई जादू होगा, एंड सी वुड टेक हर नैप और वह नींद ले लेगी, झपकी ले लेगी, लाइक एन इन्फेंट ऑफ टू एक दो साल के बच्चे की तरह, हर ब्रदर बॉबी वाज टू उसका भाई बॉबी दो साल का हो चुका था, एंड ऑलरेडी असलीप और पहले ही सो गया था विद हिज बोटल अपनी बोटल लेकर, छोटे बच्चों की आदत होती है सामान कोई साथ है खेलने का वो ले लेते हैं उसके साथ ही सो जाते हैं, जैक आस जैक ने पूछा हु सेल द स्टोरी बी अबाउट टूडे, आज किसके बारे में कहानी सुनाए, वो उस लड़की को पूछ लिया करती थी और वो कह देती थी कि आप अपने तरीके से ही सुना दो, अब वो आज उसको पूछता है कि चलो तेरे को किसके बारे में कहानी सुनाए, रोजर 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 नाम तो हुआ ही करता था, रोजर के आगे वो ऐड करते थे जो स्क्वीज्ड, जो ने स्क्वीज्ड भींचा या दबाया हर आईज अपनी आंखों को, रोजर रोजर बोली और फिर उसने अपनी आंखों को बंद किया, सट बंद किया, एंड स्माइल और मुस्कुराई, टू बी थिंकिंग सोचने के लिए, सी वाज थिंकिंग जैसे कि वह सोच रही हो, उसके बाद ने कहा आज किसके बारे में कहानी सुनाए, तो वो अपनी आंखें भींचती है बंद करती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है जैसे सोच रही हो, हर आईज ओपन उसकी आंखें खुली, हर मदर्स ब्लू उसकी माँ के नीले चेहरे की तरह, देखो माँ की नीली आंखों की तरह, यहाँ पे जो का कैरेक्टर स्केच अपन लिखेंगे आ सकता है पेपर में, तो एक तो छोटी लड़की है चार साल की, दूसरी इंटेलिजेंट है, तीसरी क्या है मोटा चेहरा है फैट फेस, और आईज जो हैं वो क्या हैं ब्लू हैं, उसने अपनी आंखों को खोलते हुए जो नीली आंखें थी अपनी मदर की तरह वो बोलती है स्कंक सी सैड फिमली, उसने दृढ़ता के साथ कहा, फिमली दृढ़ता से, इसका मतलब गर्ल ऑफ डिटर्मिनेशन, उसने कहा कि रोजर रोजर के आगे स्कंक नाम उसने लगा दिया, आज आप हमें रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाओ, ए न्यू एनिमल एक नया क्रिएचर एक नया जानवर, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स वे जरूर बात किया करते थे स्कंक्स के बारे में एट नर्सरी स्कूल, नर्सरी स्कूल में फर्स्ट क्लास में, हैविंग ए फ्रेश हीरो, हैविंग पाकर ए फ्रेश हीरो एक नया हीरो मोमेंटली पल भर के लिए स्टीर्ड हिल गया उत्तेजित हो गया, जैक जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म
क्रिएटिव, रचनात्मक, एंथुजियाज्म, जोश के साथ एक नया हीरो पाकर पल भर के लिए जैक जो है वो उत्साह से भर गया, उत्तेजित हो गया रचनात्मक उत्साह से। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इन द डीप डार्क वुड्स, घने गहरे जंगलों में, देर वाज ए टिनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा कम उम्र वाला, लिटिल छोटे साइज वाला क्रिएचर, जंतु था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, और उसका नाम था रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से स्मेल आती थी बहुत बुरी। यस, हाँ, जो सेड, जो ने कहा। देखो कहानियां सुनाते हैं ना तो बीच में हाँ हाँ सुनने वाला बोलता रहता है ताकि बताने वाले में थोड़ा सा उत्साह बना रहे, और इसमें कोई कमी नहीं रखती थी जो। ही स्मेल्ड सो बैड, उसमें बदबू आती थी इतनी बुरी, दैट नन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रिएचर्स, की दूसरे जंगल वाले छोटे पशु वुड प्ले विद हिम, उसके साथ खेलते थे, नन, कोई भी नहीं। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, जो ने उसकी ओर देखा सोलेमली, सीरियसली, गंभीरता के साथ, सी हैडंट फोरसीन दिस, सी हैडंट फोरसीन सोचा था, हैडंट नहीं, उसने नहीं सोचा था यह दिस ऐसा। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी वह बाहर जाता था खेलने के लिए, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक ने अपनी कहानी को जारी रखा, जेस्ट एंथुजियाज्म, जोश के साथ। रिमेंबरिंग, याद करते हुए, सर्टेन ह्यूमिलिएशंस, कुछ निश्चित अपमान, ऑन हिज ओन चाइल्डहुड, ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, उसके खुद के बचपन के। देखो कुछ तरीके से कहानी है ना रोजर स्कंक वाली, उसके फादर में मिलती है, हो सकता है उसके फादर में पुराने समय में छोटा बच्चा था, बदबू आती हो या नाके नहीं जाता हो, ऐसी कोई बात हो, तो अपने अपमान स्कूल टाइम के भी याद करता है साथ साथ। All the other tiny animals would cry, और दूसरे सारे छोटे जानवर चिल्लाते थे, ऊ है, ओ है, ऊ है, ओ है, here comes Roger stinky skunk, stinky बदबूदार, यहाँ पर आ गया है रोजर बदबूदार skunk, and they would run away, और वे भाग जाया करते थे, and Roger skunk would stand there all alone, और रोजर स्कंक वहाँ पर अकेला खड़ा रह जाता था, एंड टू लिटल राउंड टीयर्स, और दो छोटे गोल गोल आंसू वुड फॉल फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से गिर जाया करते थे। अब देखो उसने बताया कि ऐसे ऐसे रोजर स्कंक, थोड़ी बदबू आती थी उसमें, वो जाता था दूसरे जानवरों के पास, वो उसको देखते और कहते अरे बदबूदार रोजर स्कंक आ गया, और वो वहाँ से भाग जाया करते थे। अब उसके आंखों में आंसू आ जाते थे, स्टोरी जब सुनती है तो जो की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ, जो के मुंह का कोना, ड्रूप्ड डाउन का मतलब नीचे की ओर हो गया, मीन्स थोड़ा सा लटक गया वो फीलिंग्स में, एंड हर लोअर लिप, और उसका नीचे का होठ बेंट, झुक गया फॉरवर्ड आगे की ओर, एज ही ट्रेस्ट विद फोर फिंगर, एज ही ट्रेस्ट विद ए फोर फिंगर, जैसे ही उसने ट्रेस्ट पोछा विद ए फोर फिंगर, एक उंगली से, अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, उसके नाक के पास से, द कोर्स ऑफ वन, उसी तरीके से, ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स, जैसे वो रोजर स्कंक के टीयर पहुंचे जाते थे, या रोजर स्कंक अपने टीयर पहुंचता था, उसी तरीके से उसके गाल के एक साइड में आंसू को पहुंचा गया। वॉन्ट ही सी द आउल, क्या वह उल्लू के पास मिलने नहीं गया, सी आस, उसने पूछ लिया, इन ए हाई, एक ऊंची, एंड फेंटली रफ्ट, फेंटली का मतलब धीमी सी, रफ्ट, रफ्ट का मतलब खुरदरी, थोड़ी सी भावुक हो गया, उसका गला रोंदा हुआ था उस वॉइस आवाज में, सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके पास बिस्तर पर बैठे हुए, जैक फेल्ट, जैक ने अनुभव किया, द कवर्स की चादर,
टग एज हर लेग्स स्विस्ड टेंसली, टग का मतलब खींची, एज हर लेग्स जैसे उसके पैर स्विस्ड हिले टेंसली बेचैनी के साथ। लड़की ने बेचैनी से अपने पैर हिलाते हुए चादर के नीचे कहा, क्या हुआ? आउल के पास नहीं गए, क्योंकि कहानी में क्या है, वो वाइज आउल के पास जाता और वाइज आउल उसे विजार्ड के पास भेजता और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। ही वाज प्लीज्ड विद दिस, वह यह बात बताते हुए प्रसन्न हो रहा था, कौन? जैक हो रहा था। विद दिस मोमेंट, इस पल में, क्यों हो रहा था? ही वाज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वह उसे कुछ सत्य सुना रहा था, क्योंकि उसके फादर के भी स्कूल टाइम में कोई अपमान हुए थे, उनके बारे में थोड़ा सा उसमें मिला रहा था। समथिंग सी मस्ट नो, कोई ऐसी बात जो उसे जरूर जाननी चाहिए कि इस प्रकार से उसके फादर का अपमान हुआ करता था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसकी कोई इच्छा नहीं थी जल्दी करने की, वो मजे से वो स्टोरी सुना रहा था आराम से। बट डाउन स्टेयर्स, परंतु सीढ़ियों से नीचे, ए चेयर स्क्रैप्ड, एक कुर्सी, स्क्रैप्ड होता है रगड़ खाना, एक कुर्सी की आवाज आई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, क्लेयर जो कि मदर का नाम है, जैक की पत्नी का नाम है, और उसने ये भी महसूस किया कि उसे नीचे जाना चाहिए क्लेयर की हेल्प करने के लिए, क्योंकि क्लेयर जो थी वो घर का काम कर रही थी। क्या कर रही थी? पेंट करने में, द लिविंग रूम, बैठक में, वुड वर्क होता है फर्नीचर, बैठक वाले फर्नीचर में जो वो पेंट कर रही थी उसमें उसकी हेल्प करने के लिए उसको जाना चाहिए, लेकिन जो सो नहीं रही थी इसलिए उसको स्टोरी सुना रहा था सुलाने के लिए। वेल ठीक है, ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, वह बड़ी उदासी के साथ चला, एंड केम टू ए बिग ट्री, और एक बड़े से पेड़ के पास आ गया। एंड इन द टिप टॉप, टिप टॉप होता है क्वार्टर, पेड़ में एक जगह, ऑफ द ट्री, पेड़ की, वाज एन इनॉर्मस वाइज आउल, एक बड़ा सा, इनॉर्मस ह्यूज, विशाल का है, वाइज आउल, बुद्धिमान उल्लू था। गुड, ठीक है। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक ने उसको कहा, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, सारे छोटे जानवर, रन अवे, चले जाते हैं दौड़कर, फ्रॉम मी, मुझसे, आई स्मेल सो बैड, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझ में बदबू आती है, सो यू डू, आप जानते हो, द आउल सैड, ऐसा कहा। आउल ने कहा, सो यू डू, तो आप में बदबू आती है, आप ऐसे हो, वेरी वेरी बैड, ये तो बहुत बुरी बात है, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह जोर जोर से रोने लगा। द विजर्ड, जो शाउटेड, देखो वह जोर जोर से रोने लगा उसके पास, आउल के पास, अब जो अपने आप को रोक नहीं पाई वो पहले ही बता देती है, विजर्ड के पास जाओ, विजर्ड के पास जाओ, वो कहता है, क्योंकि आउल उसका स्टोरी में रूटीन है ये, तो वो किसके पास भेजेगा, विजर्ड के पास, और जो पहले से ही बोल जाती है बीच में, जैसे बच्चों की आदत होती है, द विजर्ड, जादूगर, जो शाउटेड, जो चिल्लाई, एंड सेट राइट अप, और बिल्कुल सीधी बैठ गई बेड के ऊपर। एंड ए लिटल गोल्डन बुक, और एक छोटी सुनहरी पुस्तक, स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, बिस्तर से गिर गई, और एक छोटी सुनहरी पुस्तक जो थी वो नीचे गिर गई बिस्तर से, स्पिल्ड का मतलब है फेल। अब देखो वो जोर से ऐसे बोलती है, जोश में आ जाती है, नाउ जो, अब जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डैडी सुना रहे हैं कहानी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी, क्या आप चाहती हो डैडी को सुनाना द स्टोरी, कहानी। अब उसके फादर उसको बोल देते हैं, जो तेरे को कहानी मैं सुना रहा हूँ, अब क्या तू मुझे कहानी सुनाएगी, नो नहीं, यू मी, आप ही मुझे सुनाओगे। देन लाई डाउन, तब लेट जाओ, एंड बी स्लीपी, और सोने की कोशिश करो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिल्लो, हर हैड, उसका सर रिलैप्स्ड, धंस गया, ऑन टू द पिल्लो, तकिए में, एंड सी सैड, और उसने कहा, आउट ऑफ योर हैड, आप ही सुनाओ अपने दिमाग से, कहानी आप ही सुनाओगे, मैं आपसे ही सुनना चाहती हूँ।
वेल द आउल थॉट, तब ठीक है उल्लू ने सोचा एंड थॉट और सोचा, एट लास्ट ही सेड, और अंत उसने कहा, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजर्ड, अब विजर्ड से मिलने क्यों नहीं जाते। डैडी डैडी व्हाट, क्या, अब देखो लड़की बीच में और सवाल पूछ लेती है। अब उसने कहा कि क्या आप उस जादूगर से मिलने नहीं जाते हो, तो बच्चों के दिमाग में बीच बीच में सवाल आते हैं। अब उसने फादर को फिर रोक दिया स्टोरी के बीच में और कहती है डैडी, अब वो आगे कहते हैं व्हाट, क्या, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादुई स्पेल या जादुई मंत्र रियल होते हैं, सच में होते हैं, वो लड़की ऐसे पूछ लेती है। दिस वॉज ए न्यू फेज, ये एक नया चरण था, जस्ट दिस लास्ट मंथ, पिछले ही महीने, देखो बच्चों की आदत होती है, अब वो स्टोरी में बता रहा है कि ये एक नई बात थी, एक नया चरण था, क्योंकि पिछले महीने भी ए रियलिटी फेज, एक वास्तविक चरण आया था। वेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स, जब उसने बताया था स्पाइडर्स के बारे में, मकड़ियों के बारे में, कि ईट बग्स, कि वे खटमल खाती हैं। पिछले महीने भी उसने उसको कहानी सुनाई थी, तो उसने बताया कि मकड़ियां जो है वो खटमल को खा जाती हैं। तो उस समय क्या हुआ था, सी टर्न, वह मुड़ी टू हर मदर, अपनी माँ की ओर, एंड आस, और पूछ लिया, डू दे रियली, क्या वास्तव में खटमल खाती हैं। एंड वेन क्लेयर टोल्ड हर, और उस समय क्लेयर ने उसे बताया, गॉड वाज इन द स्काई, कि भगवान है आसमान में, स्वर्ग में, एंड ऑल अराउंड देम, और उनके चारों ओर है। अब ऐसी बातें चली होगी तो भगवान के बारे में क्लेयर ने बताया कि हाँ भगवान है और हम सब की रक्षा करता है, पूरे संसार में है। तो ऐसे सवाल पर सी टर्न टू हर फादर, वो अपने फादर की ओर मुड़ी, एंड इंसिस्टेड, और उसने अपने फादर से आग्रह किया, विद ए स्लाई, स्लाई का मतलब चतुराई के साथ, थोड़ी सी चतुराई दिखाते हुए, येट ईगर स्माइल, उत्सुकता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ, इज ही रियली, क्या वास्तव में भगवान होते हैं, दे आर रियल इन स्टोरीज, वे स्टोरीज में सही होते हैं। किस पे बात कर रहा है, मैजिक स्पेल पे, उसने पूछा था ना क्या मैजिक स्पेल जो है वो रियल होते हैं, तो उसके फादर ने कहा ये कहानियों में रियल होते हैं। जैक आंसर्ड, जैक ने उत्तर दिया, कर्टली, कर्टली का संक्षेप में, ब्रीफली, सी हैड मेड हिम मिस ए बिट इन द नैरेटिव, उसने उसको थोड़ा सा मिस करवा दिया था, थोड़ा सा विराम लगवा दिया था, मिस ए बिट, थोड़ा सा मिस करवा दिया था इन द नैरेटिव, कहानी में। द आउल सेड, और उसके बाद उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, गहरे जंगल से जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज, एप्पल के पेड़ों से होते हुए, इंटू द स्वाम्प, स्वाम्प दलदल वाले, कीचड़ वाले क्षेत्र से होते हुए, द क्रीक, नदी के या खाड़ी के। वाट इज ए क्रीक, एक नदी क्या होती है, देखो क्रीक होता है एक छोटी नदी जिसमें थोड़ा सा कीचड़, थोड़ा सा पानी हो। अब लड़की के सामने क्रीक शब्द नया आया है, तो उसने ये सवाल भी अपने फादर से पूछ लिया, वाट इज ए क्रीक, अब उसका आंसर देते हैं वो, ए लिटल रिवर, एक छोटी नदी, ओवर द क्रीक, नदी के ऊपर से, एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, और वहां पर आपको मिलेगा जादूगर का घर, एंड दैट्स द वे, और इस तरीके से रोजर स्कंक वेंट, रोजर स्कंक चला गया, एंड प्रेटी सून, और जल्दी ही केम टू ए लिटल व्हाइट हाउस, वह आ गया एक छोटे व्हाइट हाउस, ये उसके घर का नाम है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजा खटखटाया, रैप्ड खटखटाया, ऑन द डोर दरवाजा, जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने भी खिड़की की सिल को खड़खड़ाया, सिल होती है चौखट। देखो जैसे वो कहानी बता रहा था ना, तो वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे वो गया रोजर्स कंक और उसने उसके घर के दरवाजे को खड़खड़ाया, ऐसे ही उसके बेड के पास वो खिड़की थी, उसकी सिल को जैक ने खड़खड़ाया। एंड अंडर द कवर्स, और कवर्स के नीचे से जोज टाल फिगर, जो का लंबा सा फिगर, क्लेंस्ड, क्लेंस्ड का मतलब सिमट गया, इन एन इनफेंटाइल, एक बच्चे जैसी थ्रिल रोमांच के साथ। एंड देन ए टीनी लिटल ओल्ड मैन, और तब एक छोटा
बूढ़ा व्यक्ति केम आउट बाहर आया विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट और एक नुकीली नीली टॉप पहने हुए एंड सैड, और उसने आकर कहा ई है अरे वर्जीज वर्जीज, ये उसका बोलने का तरीका है, इसका मतलब है क्या है, वाचर वांट व्हाट आर यू वांट, आप क्या चाहते हो, यू स्मेल एवफुल, आप में बुरी स्मेल आ रही है, द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स, अब देखो वो विजार्ड की आवाज़ है ना, वो जैक बहुत अच्छे से निकाल सकता था, अब वो जैक उसको स्टोरी सुना रहा तो विजार्ड की आवाज़ में सुना रहा है, क्योंकि उस विजार्ड की आवाज़ जो थी वो वाज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, जैक की जो है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली आवाज में से एक थी। ही डिड इट, उसने यह किया बाय स्क्रंचिंग अप का मतलब सिकोड़ कर हिज फेस, अपने चेहरे को, एंड समहाउ और किसी तरीके से, विनिंग का मतलब गुस्सा करते हुए, थ्रो हिज आईज, अपनी आंखों से वो एक्टिंग कर रहा है उसकी विजर्ड की, जो को कहानी सुनाते हुए, विच फेल्ट, जो लगा फॉर द इंटरवेल, विराम वाले इंटरवेल रुकने वाले, रूमी का मतलब यहां पे कष्ट की तरह, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन, क्यों उसको रुकने वाला कष्ट इसलिए हुआ कि देखो सब आदमी युवा रहना चाहते हैं, वो बूढ़ा हो गया था और बूढ़े आदमी की आवाज़ निकाल रहा था, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है और थोड़ा सा उसे रूमी कष्ट भी होता है, क्यों, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन, उसने ये भी महसूस कर लिया था कि बीइंग होना एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी सूटेड हिम, उस पे सूट करता है। आई नो इट, मुझे यह पता है, कौन कहता है, रोजर्स कंक ने कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे छोटे जानवर मुझसे दूर चले जाते हैं, क्या पता उसको, रोजर्स कंक को, उसने कहा था ना जादूगर ने कि आप में बदबू आती है, बुरी बदबू आती है, तो उसने कहा हाँ ये मुझे पता है, और छोटे सारे जानवर दूर चले जाते हैं मेरे से, द इनोर्मस वाइज आउल सैड, उस विशाल बुद्धिमान उल्लू ने कहा, यू कुड हेल्प मी, आप मेरी सहायता कर सकते हो, ए अरे वेल मे बी, हाँ ठीक है आपकी सहायता हो जाएगी, कम ऑन इन, अंदर आओ, डोंट गेट टू क्लोज, इतने नज़दीक मत आओ, नाउ इनसाइड, अब अंदर, जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, सारी जादुई चीज़ें थी, ऑल जंबल्ड का अस्त व्यस्त, टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, एक साथ पड़ी थी एक धूल भरे ढेर में, बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड के वहाँ कोई सफाई वाली लेडी नहीं थी, अब वो उसका अंदर का दृश्य बताता है कि ऐसे सारी चीज़ें जादुई चीज़ें इधर उधर पड़ी थी और सब मिट्टी धूल से भरी हुई थी, अब वो बताता है कि उसके पास कोई सफाई वाली लेडी नहीं होती है, अब वो लड़की पूछ लेती है वाई क्यों नहीं होती है, वाई क्यों नहीं होती, बिकॉज ही वॉज ए विजर्ड, क्योंकि वह एक जादूगर था, एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और एक काफ़ी बूढ़ा आदमी, अब देखो लड़की फिर बीच में सवाल पूछती है, बहुत सारे सवाल पूछती है रुक रुक के उससे बीच में कि वह काफ़ी बूढ़ा है, तो लड़की फिर सवाल कर लेती है विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा, नो हाँ देखो आगे, नो विजार्ड्स डोंट डाई, नहीं जादूगर नहीं मरते हैं, वेल ठीक है, ही रमेज्ड अराउंड, रमेज का मतलब सर्च्ड ढूंढा, एंड फाउंड और उसे पाया, एन ओल्ड स्टिक एक पुरानी छड़ी, उसने जादूगर ने इधर उधर ढूंढा और उसे एक पुरानी छड़ी मिली, रमेज का मतलब ढूंढा, कॉल्ड ए मैजिक वांड, जिसे एक जादुई छड़ी कहते हैं, वांड छड़ी, एंड आस्क्ड रोजर्स कंक, और कहा रोजर्स कंक को व्हाट ही वांटेड टू स्मेल, कि उसे कौन सी स्मेल चाहिए, की तरह उसे कौन सी स्मेल चाहिए, रोजर थॉट, रोजर ने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सेड और कहा रोजेस रोजेस जैसी गुलाबों जैसी, उसने उसको पूछ लिया चल बता तेरे को कौन सी स्मेल चाहिए,
अब उसने उसको कहा, मुझे रोजेज की स्मेल चाहिए। यस, हाँ, गुड गुड, अच्छा। जो सैड स्मगली, जो ने कहा स्मगली सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के साथ। अब उसने रोजेज का नाम लिया ना, जैसे इस कंक ने, जैसे ही जैक ने बताया कि उसने रोजेज की स्मेल मांगी, तो इस पे वो जो कहती यस हाँ सही है, और संतुष्टि के साथ वो बोली। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रेंस, ट्रेंस का मतलब होता है समाधि जैसी, लाइक गेज, गहरी नजर डालते हुए, एंड चांटेड बोलने लगा। जैक ने ना उसे फिक्स कर दिया, वो जैसे ही बोल रही थी ना हाँ हाँ सही है सही है, तो जैक उसकी तरफ नजरों से थोड़ा सा जादुई, वो नजरें दिखाते ना उसकी तरह से उसको शांत कर देता है, एंड चांटेड, और बोलने लग जाता है इन द विजार्स, विजार्ड के जैसी, एल्डरली बूढ़ी, इरिटेबल चिड़चिड़ी वॉइस, आवाज में। वो एक मंत्र बोलता है, क्योंकि उसने कहा ना मुझे रोजे जैसी वो चाहिए, तो वो मंत्र बोलता है। क्या मंत्र बोलता है? अब ये उनके तरीके से बोला गया, आबरा का डाबरी होकसपू, उनका मंत्र है वो लाइन उसने बोली, आबरा का डाबरी होकसपू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजर स्कंक कैसा है तू, रोजेज बोसेज, रोजेज और बोसेज, रोजेज गुलाब, बोसेज मालिक लोगो, पुल एन ईयर ध्यान दो। वो अपना मंत्र बोल रहा है, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है, बिंगो बिंगो, ये उसका मंत्र है। उसको वो रोजेज की स्मेल देने के लिए क्या बोला उसने, आबरा का डाबरी होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेज बोसेज पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट बचा हुआ जो लेसन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।